तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया, तेरा बांका मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तूने हमें भी आशिक बना लिया। कहते हैं बांके बिहारी जिस पर भी अपनी नजर डाल दे फिर वो कभी भी किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो मोहन मुरारी की लीलाओं को जान लेता है तो उसे उनके अलावा कोई और नहीं भाता। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही कृष्ण दीवाने से मिलाने जा रहे हैं जो मोह माया त्याग वृंदावन की भूमि में बसेरा लगाने आ गया है और कृष्ण प्रेम की धुन पर नृत्य कर उन्हें रिझाता है। हम बात कर रहे हैं आशीष सिंह की, जो कि वाराणसी के कबीर चौरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने कथक नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के सुयोग्य शिष्य श्रीमती संगीता सिन्हा जी से प्राप्त की। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय से कथक नृत्य में बैचलर डिग्री और मास्टर्स की डिग्री वर्ष 2007 से 2012 में प्राप्त की। इनको वर्ष 2010 से 2012 तक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। वर्तमान में आशीष श्रीधाम वृंदावन में निवास करते हुए अपनी नृत्य की आराधना कर रहे हैं। आशीष ने अपनी नृत्य कला को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया है और वृंदावन धाम में स्थित भक्त शिरोमणि मीराबाई साह के मंदिर परिसर में नित्य प्रति अपनी नृत्य आराधना करते हैं। आशीष कहते हैं कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ जो हमें श्री वृंदावन धाम में रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। काशी विश्वनाथ बाबा महादेव की असीम कृपा है जो अपनी कला को स्वयं नटराज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं परम दयालु करुणा से भरी किशोरी राधा रानी जी के श्री चरणों में बारम्बार प्रणाम करता हूँ। कथक नर्तक आशीष सिंह वृंदावन ने बताया कि मीराबाई मंदिर के पूर्व सेवायत आदरणीय श्री पद्युमन प्रताप सिंह जी कहा करते थे, मीराबाई जी की कृपा से जो नृत्य में निखार आ रहा है अब वो समाज के लोगों को भी देखने को मिले। एक अच्छा मंच मिलना चाहिए आशीष को अपनी कला को दिखाने के लिए। बता दें, इन्होंने पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की कार्यशालाओं में भी भाग लिया और नृत्य की बारीकियों को सीखा। इसके साथ ही देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी नृत्य कला की प्रस्तुति देते रहे। बॉम्बे, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, आगरा, जयपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बनारस, भदोही, मिर्जापुर, जबलपुर, गुवाहाटी, शिलोंग आदि के साथ साथ अपने चाइना के नैनिंग शहर में दर्जनों नृत्य प्रस्तुतियां वर्ष 2015 में दी। ये कथक कार्यशालाओं के माध्यम से अलग अलग शहरों में जाकर बच्चों को कथक नृत्य की तालीम प्रदान करते हैं। प्रिया शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।